बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग सब कुशल होंगे। तो नाउन के प्लूरल बनाने के सेगमेंट में कई दिनों से चल रहा है, तो इसमें हम लोग 3-4 क्लास तो ले चुके हैं। ठीक है, अब आज उसी प्लूरल की ही कड़ी में एक नया सेगमेंट है, एक और चीज है पढ़ाने जा रहे हैं। अक्सर इसका क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होंगे। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्लूरल बनाई ही नहीं जा सकती है। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, ऑलवेज प्लूरल हैं, तो इनकी सिंगुलर बनाई ही नहीं जा सकती है। और वो वाले क्या हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, उनकी प्लूरल बनाई ही नहीं जा सकती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहचान में नहीं आते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा होगा, अब ये समझ में नहीं आता कि वो प्लूरल है कि वो सिंगुलर है, समझ में नहीं आता। तो कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट है, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चार पांच लिस्ट है, उन चारों पांचों लिस्टों की बात करेंगे। तो आज हम उसमें नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं उस पहली लिस्ट में, जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें हमने पहला क्या रखा है सेगमेंट, ऑलवेज प्लूरल। ये कौन सा सेगमेंट है? ऑलवेज प्लूरल, यानी कि ये जो आपके सामने नाउन्स लिखे हुए हैं कितने हैं, 5, 10, 3, 13 नाउन। खतरनाक है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, 13 वर्ड हैं। तो ये 13 के 13 वर्ड जो आपके सामने दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकते। मतलब अगर आप इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश करिएगा तो संभव नहीं है। दूसरी बात, इनके साथ जो वर्ब लगानी होगी तो हमेशा प्लूरल होता है। अच्छा, गलती क्या होती है कि कभी कभी, जैसे कैटल लिखा है, तो कैटल में कभी कभी एग्जाम में क्या लिख किया जाता है, कैटल्स लिख किया जाता है। तो कैटल में अगर कैटल्स लिखा होगा तो ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होगा। बोलो क्यों? क्योंकि कैटल इज ऑलरेडी एंड ऑलवेज प्लूरल, ये ऑलरेडी प्लूरल है और ऑलवेज प्लूरल है, ये सिंगुलर होता ही नहीं है, इसलिए इसमें एस लगाना गुनाह है। दूसरी बात, एक गलती हो गई ना कैटल्स की। दूसरी गलती, अगर कैटल के बाद इस लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटल इज ऑलरेडी ऑलवेज प्लूरल, इसके साथ इस नहीं लगा सकते हैं, आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। समझ गए ना? तो इस तरह के जो ये वर्ड्स हैं, इनके साथ क्या गलतियां होनी है और क्या हमें बचाना है, तो पहले हमें इनके मतलब बता लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन आप लोग जानते हैं, चिल्ड्रन माने क्या होता है, बच्चे। ये किसका प्लूरल है? चाइल्ड का प्लूरल है। तो चिल्ड्रन इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो नेवर ट्राई टू मेक देम चिल्ड्रंस। ये चिल्ड्रंस क्या हुआ, अब आप सोचते हैं एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जब चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें कौन सा एस लगा के प्लूरल बना रहे हैं आप, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये वाला नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये वाला लगाना चाहते हैं, कौन सा वाला, अपोस्ट्रोफी वाला, तो अपोस्ट्रोफी वाला एस लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल नहीं बनाता, ये तो पजेसिव बनाता है, तो ये लगा सकते हैं। लेकिन जो प्लूरल बनाने वाला एस होता है, ये गलत होता है। तो समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं। आई बात पीपल की, तो पीपल का मतलब क्या हुआ, लोग। तो पीपल को अगर लोग के सेंस में लिखेंगे तो ये प्लूरल है, इसमें एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, कभी कभी पीपल्स लिखा हुआ आता है, तो जब पीपल में एस लगा के दे देते हैं तो वो पीपल्स क्या होता है, वो पीपल्स होता है किसी जगह के जो नेटिव लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो पीपल्स का मतलब क्या हुआ, नेटिव पीपल ऑफ अ प्लेस। तो पीपल्स लिखा गया, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, अभी रहने दीजिए। तो यहाँ हम एक स्टार लगा दे रहे हैं, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। पब्लिक में क्या एक आदमी होता है, नहीं होता ना, पब्लिक हमेशा प्लूरल होगी, एक आदमी नहीं होगा, वहां 10-20 लोग होंगे तभी पब्लिक कहा जाएगा। फोक, फोक का मतलब क्या होता है, लोग, तो ये भी प्लूरल होगा। पुलिस, पुलिस में एक आदमी होता है, पुलिस फोर्स है बेटा, तो पुलिस फोर्स है और पूरी टीम होती है, वो एक संगठन है, एक संस्था है। कैवेलरी क्या होता है, घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री क्या होती है, तोप खाना। तो कैवेलरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री नहीं, तोप खाना तो आर्टिलरी होता है, गलत बोल दिया थे। इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, कैवेलरी होती है घुड़सवार सेना, और पुलिस होता है, पुलिस फोर्स हो गई, आर्टिलरी होती है उसको कहते हैं तोप खाना। तो ये चूंकि फोर्सेज है, ये हमेशा प्लूरल होगा। क्या नहीं करना है, इसमें एस नहीं लगाना है। दूसरी बात, इनके बाद इज लगा रहे हैं तो इज गलत हो जाएगा, ये पुलिस के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, पुलिसेस नहीं होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं होगी। हाँ, एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहेंगे, अगर कहीं लिखा होगा पुलिस मैन, ठीक है ना,
क्या लिखा, पुलिसमैन, पुलिसमैन लिखा हो तब आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, पुलिसमैन इज होगा, लेकिन पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस के साथ क्या होगा आर होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं, तो ये बात समझिए रही है, पुलिस में और पुलिसमैन में अंतर है, पुलिसमैन के साथ सिंगुलर लग जाएगा, पुलिस के साथ सिंगुलर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है कैवेलरी, पुलिस की तरह कैवेलरी इन्फेंट्री, ये भी प्लूरल होगा, कैवेलरीज मत करना, इन्फेंट्रीज मत करना। जेंट्री, तो जेंट्री क्या होता है, जैसे किसी शहर में जितने भी जेंटलमैन होते हैं, एक्चुअली वो जेंटलमैन का कलेक्टिव नाउन है, तो जेंटलमैन क्या है, वो सज्जन का प्लूरल है, ठीक है, जेंटलमैन का प्लूरल जेंटलमैन होता है, और जहां ढेर सारे जेंटलमैन इकट्ठा हो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा जेंट्री, क्या कहा जाएगा जेंट्री, तो जेंट्री का प्लूरल मत बनाना क्योंकि ये कलेक्टिव प्लूरल है, क्या वर्ड कह सकते हैं इसको, कलेक्टिव प्लूरल, प्लूरल नाउन का ही कलेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो जेंट्री शहर के जितने भी वीआईपी होते हैं उन सबको इकट्ठा कहा जाता है। क्लर्जी क्या होता है, ये पुरोहित वर्ग है, तो पूरा पुरोहित वर्ग, इसमें एक व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा स्टाफ होता है, मंदिर में स्टाफ में जितने लोग होते हैं सब क्लर्जी, तो कभी भी क्लर्जी लिखा देखेंगे तो गलत हो जाएगा, और क्लर्जी के बाद सिंगुलर वर्ब लगेगी तो गलत हो जाएगा। नोबिलिटी, तो नोबिलिटी होता है कुलीन वर्ग, तो जैसे कुलीन वर्ग नहीं, ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अमीर उमरा, तो राजा के जो करीबी लोग होते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री में मुगल काल और सल्तनत दोनों में आपने पढ़ा होगा कि सुल्तान के करीबी जो होते थे वो अमीर वर्ग होता था उमरा, तो उन लोगों को कहा जाता था, सुल्तान के राजा के जो खास लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है नोबिलिटी। तो नोबिलिटी का प्लूरल नोबिलिटीज मत बनाइएगा, वो गलत हो जाएगा, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी। ऐसे ही कैटल, कैटल क्या होता है, कैटल होते हैं मवेशी, अब ये क्या समझ रहे हैं, अब मवेशी का क्या मतलब हुआ, मवेशी का मतलब होता है कि वो जानवर जो खेत में घास चरने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो जानवर जो खेत में घास चरने के लिए जाते हैं वो कौन होंगे, ऊंट हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, गाय हो सकता है, बैल, भेड़, बकरी, ये सब हो सकते हैं, लेकिन साथ में कुत्ता भी जाता है, तो चरवाहे के साथ कुत्ता जाता है, लेकिन कुत्ते को हम कैटल में नहीं रखेंगे, पूछ क्यों नहीं रखेंगे, अभी मैंने कहा था कि जो खेत में घास चरने जाते हैं वो कैटल है, और कुत्ता घास चरने नहीं जाता है वहां पे, उसके पर्पस, तो वो कैटल में इंक्लूड नहीं होगा, वो कैटल नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना कैटल क्या होगा। तो कभी भी बोल कर भी कैटल लिखा हो तो वो गलत हो जाएगा, और कैटल के बाद वर्ब सिंगुलर होगी तो गलत हो जाएगा। बर्मिन, बर्मिन क्या होता है, तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, जैसे भी एक टिड्डी दल आया हुआ है तो वो वर्मिन होता है, वर्मिन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, और वर्मिन के साथ अगर कहीं पर इज लगा होगा तो ये गलत होगा, अच्छा अगर कहीं वर्मिन लिखा हो तो ये गलत होगा, सही, सारे के सारे वर्ड्स में एक ही रूल लग रहा है। पोल्ट्री मतलब क्या होता है, जहाँ वो डक्स या वो मुर्गी पालन होता है उसको कहते हैं, तो पोल्ट्रीज कभी नहीं होगा और पोल्ट्री के बाद सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये इतने वर्ड थे जिनके साथ दिक्कत थी सिंगुलर और प्लूरल की, चलिए इसमें एक आध दो वर्ड हम देख लेते हैं, हम लोग कौन सा वर्ड देखेंगे। तो सबसे ज्यादा पूछा गया जो एग्जाम में अभी तक का है, सबसे ज्यादा पूछा गया है कैटल और वर्मिन, और इसमें से एक आध जेंट्री ले लेते हैं, ये बता देते हैं, चिल्ड्रंस तो आप कहीं लिख देंगे तो आप समझ ही गए ना कि चिल्ड्रंस क्या होते हैं, बहुत बड़ा कॉमन वर्ड है, उसको बताएंगे भी नहीं। फिलहाल हम लोग कैटल, वर्मिन और जेंट्री की बात करेंगे, और एक पीपल का डिस्कशन करने के लिए रोक रखते हैं, अभी हम पीपल की भी बात कर लेंगे। तो एरर का सेंटेंस मान लीजिए ऐसे लिखा हो कि द कैटल्स आर, यही लिखा हो द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये लिखा हमने सेंटेंस, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स आर, देखिए आर तो ठीक है लेकिन कैटल में कैटल्स नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात हो गई। अच्छा कैटल्स गलत हो गया, हाँ मान लीजिए कि कहीं ऐसे लिखा होता सेंटेंस, द कैटल इज लिखा होता तो क्या गलत हो जाता, तो द कैटल इज नहीं होगा, कैटल चूंकि प्लूरल होता है इसलिए इज ना होके क्या होगा आर, तो ये दो तरह की मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। वर्मिन पे एक क्वेश्चन था, जैसे लिखा था द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, द क्रॉप वाज destroyed by the vermins, destroyed by the vermins, तो अब ये बताइए वर्मिन क्या था, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा, तो इसमें वर्मिन में एस
नहीं लगना चाहिए था, ठीक है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन था, जेंट्रीज जेंट्रीज ऑफ द सिटी वाज इनवाइटेड वाज प्रेजेंट देयर, ऐसे ही कर दे रहे हैं, वाज प्रेजेंट देयर, जेंट्रीज ऑफ द सिटी वाज प्रेजेंट देयर, तो इसमें क्या गलत हुआ, जेंट्रीज नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जेंट्रीज नहीं होता, ये क्या होना चाहिए, जेंट्री होना चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ जो लिखा है जेंट्री ऑफ द सिटी, यहाँ हमने सही कर दिया, तो वाज होगा, नहीं वाज नहीं होगा, ये क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि जेंट्री क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, इसलिए इसके लिए हम वाज नहीं वर लगाएंगे। तो दो जगह गलत होने का चांस है, एक तो जेंट्रीज बना दिया तो गलत हुआ, दूसरे इसके लिए वाज लगा दिया तो गलत हुआ, दो जगह इसमें वीकनेस पॉइंट, वीक पॉइंट पाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन, हम जो पीपल की बात कर रहे थे कि पीपल्स नहीं होगा, उस पर बात कर लेते हैं कि ये पीपल का क्या होगा। चलिए, हमने कहा था कि पीपल का पीपल्स नहीं होता, ठीक है ना, तो लोग के सेंस में पीपल्स गलत होगा, लेकिन अगर कहीं पीपल्स लिखा हो तो आप जरा एक चीज सोच लीजिएगा कि एक कंडीशन में ये पीपल्स हो सकता है, ये पीपल्स क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि कहीं के नेटिव हो या फिर कोई एथनिक ग्रुप होता है, ये क्या होता है, एथनिक ग्रुप होता है, कहीं के नेटिव लोग होते हैं, ठीक, तो एथनिक ग्रुप या नेटिव लोग कहीं के होंगे तो उनको एक ही, जैसे रिलीजन से रिलेटेड होंगे, एक एथनिक ग्रुप के हो एक रिलीजन से रिलेटेड हो, तो उन सब को एक साथ मिला करके हम पीपुल्स कहते हैं। जैसे मान लिया ये कहा जाए कि द नेटिव पीपल्स ऑफ कनाडा, क्या लिखा, द नेटिव पीपल्स ऑफ कनाडा, तो ये पीपल्स सही है। पूछिए क्यों सही है, क्योंकि ये कहा नेटिव, नेटिव का मतलब क्या हुआ, कनाडा के मूल निवासी, तो एक वर्ग से संबंधित हैं वो सब लोग, एक धर्म एक वर्ग एक नस्ल से रिलेटेड हैं, तो एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो एक कम्युनिटी के सारे लोगों को हम पीपल्स कह सकते हैं, ठीक है, तब पीपल्स लगेगा। अगर ऐसे ही जनरली लोगों के सेंस में पीपल्स कर देंगे तो गलत होगा, तो पीपल और पीपल्स में जो डिफरेंस है उसका आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिस्ट वन हमने खत्म कर दी है, हम लोग लिस्ट टू की बात करते हैं, तो लिस्ट टू चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी लिस्ट टू, ठीक है ना, आपके सामने इतने वर्ड दिख रहे हैं, कुछ और वर्ड हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछे जाते हैं, ज्यादातर यही वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो लिस्ट टू के ये वर्ड्स कैसे हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए लिस्ट टू के ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके सामने आप लिख सकते हैं ऑलवेज सिंगुलर, और ये फिजिकली भी सिंगुलर हैं और बिहेवियर में भी सिंगुलर हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज सिंगुलर का मतलब क्या, लिस्ट टू के जितने भी वर्ड्स हैं वो ऑलवेज सिंगुलर हैं, ऑलवेज सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाएंगे, इनका प्लूरल बनाने के लिए कभी इनमें एस लगाने की गलती मत करिए। जैसे ब्रेड लिखा तो आप ब्रेड में एस लगा देंगे, ब्रेड्स, मान लीजिए कभी आपने सोचा कि हम ब्रेड्स कर दें तो ब्रेड्स नहीं होता, ये गलत हो गया, ठीक है ना। पहले इसके पहले लिस्ट वन में भी एस नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि वो ऑलवेज प्लूरल थे इसलिए एस नहीं लगा था। लिस्ट टू में एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलवेज सिंगुलर है, ठीक है ना, ऑलवेज सिंगुलर है इसलिए इसमें एस नहीं लगता। कोई भी वर्ड हो गया, जैसे इक्विपमेंट है, आप सोचे इक्विपमेंट्स कर दें तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। एविडेंस है, आप एविडेंसेस कर सकते हैं, नहीं, आपको याद आया हम लोग एसएससी का कोई पेपर कर रहे थे तो एसएससी के पेपर में आया था एविडेंसेस लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हैं तो सबके लिए एक कॉमन बात क्या है, तो जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं उन सबके लिए एक कॉमन बात ये है कि सबके सब हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनमें एस लगा करके इनका प्लूरल बनाने की गलती कभी ना करें, ठीक है। तो अब वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं, पोएट्री क्या होता है, पोएट्री होता है कलेक्शन ऑफ पोइम्स, तो पोएट्री जैसे आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा काव्य संग्रह, तो काव्य संग्रह क्या होता है कि आपके काव्य संग्रह में कई कवियों की एक एक दो दो रचनाएं थी, तो चाहे एक ही कवि की कई रचनाएं हो या कई अलग अलग कवियों की रचनाएं एक जगह संकलित कर ली जाती हैं, कलेक्ट कर ली जाती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पोएट्री, और यही अगर निबंध में होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो पोएट्री क्या हो गया, पोएट्री हो गया काव्य संग्रह, कविताओं का कलेक्शन, तो पोएम्स हो सकता है लेकिन पोएट्रीज
कभी नहीं होगा, हमेशा पोएट्री होगा, और इसके साथ कभी प्लूरल वर्ब भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो सीनरी, सीनरी क्या होता है, दृश्य, कभी बोलकर भी सीनरीज नहीं होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड, सीनरीज नहीं हो सकता, सीन्स हो सकता है, सीनरीज नहीं होगा। फर्नीचर, तो कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर ही हमेशा होता है। आपके घर में चाहे एक टूटा फूटा स्टूल हो या फिर आपके पास 10-20 सोफे और 150 कुर्सियां हो, सबके सबको मिलाकर के फर्नीचर कहा जाएगा। फर्नीचर एक टोटेलिटी को इंक्लूड करता है, कुल जितना है वो फर्नीचर है, एक दो तीन को वो नहीं देखता। एक दो तीन कुर्सियां होंगी, मेजे होंगी, स्टूल होंगे, सोफा होंगे, ये सब होंगे, लेकिन सबको मिलाकर हम फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर का फर्नीचर कभी नहीं होगा, और फर्नीचर के साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। इंफॉर्मेशन, सूचना, इसका कभी प्लूरल नहीं होता। एडवाइस, सलाह, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एडवाइसेस कभी नहीं होगा, ठीक है ना, एडवाइस होगा हमेशा। अल्फाबेट, तो जैसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला, तो आपको लग रहा होगा कि वर्णमाला में, अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, हिंदी की वर्णमाला में आ से लेकर के ज्ञ तक, कुछ और संयुक्त वर्ड वगैरह भी मिला करके 52 लेटर्स होते हैं। तो आपको लगेगा कि हिंदी की वर्णमाला में 52 लेटर्स होंगे, तो हम उसको अल्फाबेट्स बोल दें। तो अल्फाबेट्स किसको कहते हैं, वो 52 जो लेटर्स हैं, उन पूरे के पूरे 52 लेटर्स को अल्फाबेट कहा जाता है, इसलिए अल्फाबेट्स नहीं होता। बाय द वे, कि आप कहीं अल्फाबेट्स लगा देते हैं, तो अगर आप कहते हैं अल्फाबेट्स, तो समझ रहे हैं अल्फाबेट्स, अगर इसमें एस लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है भाषाएं। अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ लैंग्वेजेस, इन द सेंस ऑफ लेटर्स यू कैन नॉट यूज अल्फाबेट्स, ये क्या होगा, अल्फाबेट होगा, ठीक है ना, ऐसे एडवाइजर्स नहीं करेंगे आप। आइए लगेज की बात करते हैं। तो लगेज क्या होता है, लगेज के मतलब आपके पास एक यात्री के साथ जितना भी सामान होता है, दैट इज कॉल्ड लगेज। नो मैटर कि ही हैज अ चीप स्मॉल बैग और ही हैज मेनी बैग्स एंड ट्रंक्स, तो उसके पास चाहे ढेर सारे बैग्स और ट्रंक्स हो, 10-15 बैग और 2-4 ट्रंक लिए हो, तो वो सब आपका लगेज है। एक छोटी सी बैग लिए है आप, तो वो भी आपका लगेज है। तो लगेज लगेज होता है, इट कैन नॉट बी लगेजेस, कभी आप लगेज का प्लूरल नहीं करेंगे, तो प्लूरल नहीं करेंगे तो उसके साथ कभी प्लूरल वर्ब भी नहीं आएंगे। जैसे कहीं लिखा हो ऑल योर लगेज, तो ऑल योर लगेज के बाद आर कभी नहीं लगाएंगे, ऑल योर लगेज इज होगा, ठीक है ना। ऐसे ही बैगेज होता है, तो लगेज बैगेज तो खैर सके भाई हैं, उनका नाम बदला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है सीनरी, और दूसरा सबसे ज्यादा फर्नीचर और इंफॉर्मेशन। एडवाइस तो खैर स्टार है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने में, अल्फाबेट भी एक आध बार आया है, और लगेज भी एक आध बार आया है, बैगेज पर अभी क्वेश्चन नहीं आया, मनी पर अभी क्वेश्चन नहीं आया है, फूड पर आ चुका है। मनी क्या होता है, मनी सिंगुलर नाउन है। आप सोचेंगे कि मेरे पास 100 रुपया हो तो प्लूरल हो गया ना, हाँ, तो जब आप रुपए लगाएंगे, ठीक है, तो रूपी, अभी पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था रूपी का रूपीज होता है, लेकिन मनी का मनीज नहीं। अभी कभी सुना है आपने, इतने बड़े हो गए हैं आप, कभी मनीज दिखा हुआ आपने देखा है, नहीं देखा है। अगर मनीज होता तो क्या कभी मनीज दिखा हुआ ना देखने को मिलता, तो मनी का प्लूरल नहीं होता। एक सिचुएशन है इसकी, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ, वो होती है, अभी एग्जाम में पूछा तो कभी नहीं गया है, ठीक है ना, पूछा तो कभी नहीं गया है, लेकिन एक सिचुएशन होती है कि जो मनीज का मतलब होगा सम्स ऑफ मनी, क्या होगा ये, सम्स ऑफ मनी। अगर कभी सम्स की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कहते हैं कि जैसे इस समय COVID-19 का दौर चल रहा है और बड़ी मुसीबत है, तो तमाम ट्रस्ट वाले अलग अलग जगहों से चंदा लेकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मान लो हमें यह सेंटेंस बनाना हो कि ट्रस्ट ने काफी मतलब पैसे इकट्ठा किए, तो हम कह सकते हैं कि द ट्रस्ट हैज मैनेज्ड टू कलेक्ट मनीज। तो मनीज का मतलब क्या हुआ, वो अलॉट ऑफ क्या कहते हैं सम्स ऑफ मनी इकट्ठा करने में सफल रहे। तो मनीज कह दिया तो वो सम्स ऑफ मनी के सेंस में आएगा। और अगर ऐसे ही रुपए पैसे की बात करते हैं तो आप मनीज कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फूड की बात हो गई, तो फूड सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं होता। आपकी थाली में 8 तरह का भोजन परोसा हुआ है तो वो फूड है, वो अलग अलग आइटम्स हो सकते हैं, लेकिन उनको इकट्ठा क्या कहा जाएगा, फूड कहा जाता है, ठीक है। अब नॉलेज की बात करते हैं, तो नॉलेज का कभी प्लूरल नहीं होता, नॉलेजेस नहीं होता। ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी आपके पास गहने 8-10 हो सकते हैं, लेकिन सबको इकट्ठा ज्वेलरी कहा जाता है ना। एक तो क्या कहेंगे, आर्नामेंट, एक अंगूठी है तो क्या कहेंगे, आर्नामेंट, एक हार है तो क्या कहेंगे, हार।
तो अर्नामेंट हुआ। तो एक एक को आप अर्नामेंट कहेंगे, इंडिविजुअली उनको अर्नामेंट कहते हैं या ज्वेल्स कहते हैं। इकट्ठा आपके पास जितना है कुल टोटल को आप क्या कहते हैं, ज्वेलरी कहते हैं। ऐसे ही स्टेशनरी है, एक पेन है आपके पास तो स्टेशनरी है, एक पेंसिल है वो आपकी स्टेशनरी है, एक स्केल है, एक रबड़ है, एक कटर है, तो ये क्या है, स्टेशनरी है। आपके पास 10 पेंसिल है, 2-4 रबड़, 3-4 ड्राइंग बॉक्स, 2-4 कलर बॉक्स है, तो आपके क्या हो गया, वो सब सबका सब स्टेशनरी हो गया, वो स्टेशनरी कभी नहीं होता है। ऐसे ही ट्रैफिक, ट्रैफिक्स कभी लिखा हो तो नहीं होगा। ऑफ स्क्रीन क्या होता है, एक ही इंसान के जो भी जो बच्चे होते हैं, एक इंसान के 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, तो क्या है, ऑफ स्प्रिंग है। अगर आप कहीं पे ऑफ स्प्रिंग से लिखा हुआ देखें तो ये गलत है, ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा। बिहेवियर्स कभी नहीं होता, फ्यूल्स कभी नहीं होगा। गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा होता है, तो गार्बेज है, वेस्टेज है, रविश है, डेबरिस है। डेबरिस क्या होता है, मलबा, मकान वगैरह गिर जाता है तो जो मलबा गिरता है उसको कहते हैं डेबरिस। ये कभी प्लूरल नहीं होगा। डर्ट है, डस्ट है, तो कभी डर्ट्स या डस्ट्स नहीं करेंगे। ब्रेड है तो कभी ब्रेड्स लिखा हुआ नहीं देख सकते, ब्रेड्स कहीं लिखा हो तो गलत हो जाएगा, ब्रेड्स होता ही नहीं है, ठीक है, केवल ब्रेड होता है। मिस्चीफ है तो मिस्चीफ में एस नहीं लगाएंगे, मिस्चीफ नहीं होता। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गार्बेज भी एक आधो बार पूछा जा चुका है, मिस्चीफ भी आ चुका है, शायद CHSL में ही पिछली बार आया था। मिस्चीफ नहीं होता, मिस्चीफ होता है। इक्विपमेंट आपको लगेगा ढेर सारे उपकरण है तो देयर शुड बी इक्विपमेंट्स, नहीं तो पूरा का पूरा जितना ऊपर, जैसे एक मिस्त्री आता है आपके घर पे, वो अपना बैग खोलता है तो उसके पास जितने भी स्क्रू ड्राइवर या पिलास वगैरह जितने भी हैं, उन सब के सबको क्या कहेंगे, इक्विपमेंट कहेंगे। कॉस्ट क्या होती है, उत्पादन लागत होती है, इसका प्लूरल नहीं होगा। एविडेंसेस तो कई बार आ चुका है, हम लोग पेपर सॉल्व कराए ही है, तो एविडेंसेस कभी नहीं होता, दैट शुड बी एविडेंस, ठीक है ना, इट कैन नॉट बी एविडेंसेस। क्यों, इतना हम लोगों ने पढ़ा, ये हम क्यों भूल गए, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबूत है कि हमने पिछले पेपर में इसको डिस्कस कराया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनमें कभी एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, ठीक है। अब मान लीजिए जब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाए जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कभी वर्ड ब्रेड प्लूरल हो जाए, तो ब्रेड प्लूरल जब हमें बनाना होगा तो हम ब्रेड को ब्रेड्स नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पीसेज ऑफ ब्रेड, स्लाइसेज ऑफ ब्रेड या लोब्स ऑफ ब्रेड, ऐसे बनाएंगे। जैसे ज्वेलरी लिखा, स्टेशनरी लिखा, तो ज्वेलरी अगर हमें मान लीजिए प्लूरल बनाने की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, ज्वेलरीज नहीं हो सकता, दैट विल बी पीसेज ऑफ ज्वेलरी। मान लीजिए हम कहते हैं कि उसके 3 गहने चोरी हो गए तो 3 पीसेज ऑफ हर ज्वेलरी, क्या कहा जाएगा, 3 पीसेज ऑफ हर ज्वेलरी, 3 आइटम्स ऑफ हर ज्वेलरी, ना कि हर ज्वेलरीज, तो 3 ज्वेलरीज नहीं होगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर मान लीजिए कहना है कि 4 फर्नीचर, तो 4 फर्नीचर में आप ये नहीं कहेंगे 4 फर्नीचर्स, instead you will say 4 pieces of furniture, you cannot say 4 furnitures but you will say 4 pieces of furniture, I think aapko ye cheez clear ho gayi hogi, theek hai na। to hum log isme jo duvidhaye thi, jo confusions the, wo sab hum logon ne dur kar liye padh liye, to let's proceed to the next third। to ye hai hamari teesri list, theek hai, teesri list mein ye kuch words likhe hue hain aapke samne hain। to pehla word dekhiye kya likha hua hai, सीजर्स, सीजर्स, सीजर्स में क्या होता है, कैंची, और एक कैंची और होती है, सीजर्स है, सीएस है, एक कैंची और होती है, पिलपर्स होती है, ठीक। ये तीनों कैंचियां कौन कौन सी हैं, सीजर्स तो आप सब लोग जानते हैं, सीएस क्या होती है पता लगा लीजिए, पिलपर्स क्या होती है पता लगा लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ इतना कि इसमें एक कैंची है बाल काटने वाली और एक कैंची है वो जो माली वगैरह के हाथ में होता है झाड़ियां वगैरह ट्रिम करने के लिए, और एक जनरल कैंची होती है। कौन सी है आपको पता लगाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा नहीं, इतना भी मुझसे मत उम्मीद करिए कि मैं हर वर्ड की मीनिंग बता दूंगा, ठीक है, ये आप लोग ढूंढ के पता लगा लीजिए। ये तीन की तीनों क्या है, कैंचियां हैं। अब कैंची की खासियत क्या होती है, जरा आप कैंची की खासियत देखिए, उस पर मत जाइएगा डिजाइन पे, जैसे ऐसे होगी कुछ कुछ इस तरह की ऐसे, और जैसे ये है तो ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, तो थोड़ा कैंची का मुंह पतला हो गया, कोई बात नहीं, तो अब इस पे चित्र पे मत जाइए, ठीक है, ऐसे कुछ इसी तरह की बनती है कैंची, तो ऐसे कैंची होती है। तो इस कैंची में आप देखिए तो एक पेयर क्या बना, ये वाला पोर्शन क्या होगा एक जैसा, और ये वाला पोर्शन क्या हो रहा एक जैसा होता है। जैसे टॉन्स लगा है, चिमटा लगा है, तो चिमटा तो सब लोगों ने देखा होगा और यूज भी किया होगा, कुछ लोगों की काम है रोज ही यूज करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसे चिमटा होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऐसे नीचे कर दे तो एक हिस्सा बराबर होता है ना, एक जैसा होता है, तो
तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक जैसी दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये क्या होगा, इसमें जितनी भी चीजें हैं सबकी सब कैची भी ऐसे है। फोर्क्स क्या होता है, फोक्स आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल में हैंडल से और अगले पहिए के बीच में जोड़ने के लिए ऐसे दोनों तरफ लगा होता है, उसको भी है ना चिमटा बोला जाता है। तो वो चिमटा मोटरसाइकिल में उसको क्या कहते हैं, सॉकल, फोक्स कहते हैं। और वही चीज क्या होती है, साइकिल में चिमटा बोलते हैं, वो भी फोक्स होता है। तो ये भी दो होता है, पेड़ से बना होगा। और टोंग्स क्या होता है, वो जो घर में चिमटा होता है जिससे रोटी सेकी जाती है, वो वाला चिमटा है ये टोंग्स। फोर्सेप्स क्या होता है, ये चिमटी है, चिमटी। तो लड़कियां ये ना सोचे कि उनकी बार में जो चिमटी लगी है वो वाली नहीं, वो हेयर पिन होती है, वो चिमटी नहीं। ये कौन सी वाली चिमटी की बात कर रहे हैं, जो घड़ी बनाने वाले या मोबाइल बनाने वाले की दुकान पर होता है चिमटी, जो जिसे पकड़ पकड़ छोटे छोटे वो क्या कहते हैं स्क्रू वगैरह छोटे छोटे उठाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उठाते हैं। डॉक्टरों के पास भी वो चिमटी होती है छोटी सी, तो ये चिमटी होती है। प्लायर्स क्या होता है, प्लायर्स है प्लास, प्लास समझ रहे होंगे ना, जो बिजली बनाने बिजली के काम करने वाले सब नहीं होते, तार काटते हैं जिससे, वो प्लायर हो गया, प्लास हो गया। पिंसर्स क्या होता है, ये प्लायर का पूर्वज है, पिंसर होता है सरसी, सरसी आप पकड़ सुना होगा आप लोगों ने, जिसे भगोना वगैरह पतीली वगैरह पकड़ के उतारते हैं, वही सरसी या पकड़ हो गया। बायनोक्युलर्स क्या होता है, अगर फिल्मों में देखा होगा कि वो दूरबीन लगा कर देते हैं जिसमें दो लेंस बने होते हैं, ठीक है, तो दो लेंस होते हैं, दूर की चीजें देखने के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें भी दो लेंस होते हैं। स्पेक्टेकल्स क्या होता है, चश्मा है, तो चश्मे भी दो लेंस होते हैं ना, कोई ऐसा चश्मा तो नहीं देखा होगा जिसमें पूरा एक लेंस होता हो, दो लेंस होते हैं चश्मे में। चश्मे के और कुछ वर्ण है, जैसे स्पेक्टेकल्स लिखा है, मान लीजिए ग्लासेस लिखा हो तो ग्लासेस क्या हो गया, ये भी चश्मा हो गया। जैसे कहीं लिखा हो गॉगल्स, तो ये गॉगल्स हो गया। गॉगल्स क्या होते हैं, गॉगल्स होते हैं सन ग्लासेस, वो डार्क कलर के होते हैं जो धूप में पहने जाते हैं। अभी अलग बात है कि कुछ लोग रात में 9 बजे भी पहने रहते हैं, तो पता नहीं क्यों पहने रहते हैं भाई, वो जाने और उनका चश्मा जाने क्यों पहन रखे हैं रात में 9 बजे। वैसे गॉगल्स उनको कहा जाता है जो सन ग्लासेस है धूप में पहने जाते हैं, ठीक है ना। 9 बजे रात में कोई पहने हो तो फिर उसी से पूछ लीजिएगा क्यों पहने हैं वो। ये है चश्मे, तो चश्मे में भी दो लेंस होते हैं। तो यहाँ हमने जितनी चीजें पढ़ी सब में क्या होता है, सब में दो से मिलकर बना होता है, दो इक्वल पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए पैंटालून्स, पैंटालून्स क्या हो गया, पैंटालून का मतलब होता है पतलून, जिसको हम लोग शार्ट में क्या कहते हैं, पैंट्स, ठीक है। ये पैंट्स क्या, उसी पैंटालून्स का शार्ट हो गया। और ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मतलब क्या हुआ, अरे वही जिसको अपने नॉन डेनिम जींस बोलते हैं वही। और जींस हो गया, जींस को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अच्छा इसी तरह से एक चीज और होती है पैजामास, क्या लिखा होगा आपने, सुना होगा पैजामास, जींस आप समझ ही रहे हैं। निकर्स क्या होता है, घुटने के नीचे होता है, टखने के ऊपर तक होता है। शॉर्ट्स क्या होती है, हाफ पैंट होती है, फुटबॉल खेलने वाले या स्विमिंग करने वाले अक्सर पहनते हैं ये। ग्लव्स क्या होता है, हाथों में दस्ताने होते हैं, तो दोनों हाथों में होते हैं ना, पैर में होगा। शूज क्या होते हैं, जूते होते हैं, एक जूता नहीं होता, दो होगा, पेयर में होगा। सॉक्स भी, मोजे भी पेयर में होते हैं। और ब्रेसेस क्या होता है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। ब्रेसेस होते हैं, बच्चे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी पैंट गिरी जाती है मान लीजिए, या बहुत बूढ़े हो गए हैं तो हो सकता है पैंट ना संभाल पाए, या कभी कभी ऐसा होता है आदमी बहुत मोटा हो गया, तो बहुत मोटा हो गया तो पैंट टिकने की जगह नहीं होती है, तो ऐसे में यहाँ पर दो पट्टियां लगा दी जाती हैं। ऐसे तो पट्टी लगा दी जाती है कंधे के ऊपर से जाती है, तो पैंट टिकी रहती है। हालांकि आजकल फैशन हो गया है, बॉलीवुड वाले जो चाहे वो कर दें, तो ये फैशन हो गया, तो ठीक है। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब में क्या है, उन सब में भी पेयर है। तो आप कहेंगे पैंट में कैसे पेयर है, तो चलिए मान लीजिए देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे करिए एक ऐसे, अब मैं मिटा दूं तो समझ लीजिए पैंट के नीचे की मोहरी हो गई है, ये ऐसे, तो ये हो गया ए, ये देख लीजिए, मान लीजिए जो भी समझ लीजिए, पैंट होगा, पैजामा होगा, जींस होगा, जो समझिए, तो है ना इसके दो, एक ये दो पार्ट हो गए। तो ये पेयर में बना, दो इक्वल पार्ट्स से मिलकर बना हो जाता है, बना होता है, तो वो इस तरह की ये चीजें हैं। कुछ टूल्स हैं, उपकरण हैं, और कुछ ये कपड़े हैं। तो चूंकि दो इक्वल पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन सब के लास्ट में देखिए ऐसे लगा होगा, एक तरफ से देखिए ये एक तरफ से देखिए सबके ऐसे, ये तो हमारी पीठ से लगता है, मिट गया, कोई बात नहीं। क्या था, बायनोक्युलर्स का लास्ट में ऐसे लिखा हुआ था। ब्रेसेज है, ये देखिए, ये सबके सब जितने वर्ड हैं सबके लास्ट में ऐसे लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि इन जो ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इनसे आपको आप एस को हटा नहीं सकते। दूसरी बात, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, तो जैसे इसमें गलतियां कैसी आ सकती हैं, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो इतने पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो कि योर ट्राउजर इज लाइंग
on the ground. Your trouser is lying on the ground. So your trouser is नहीं होगा. Trouser singular में लिखा नहीं जा सकता. ये क्या होगा? Trousers होगा. और जब trousers होगा तो ये is नहीं होगा. तब क्या होगा? ये are होगा. ठीक है ना? समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? दो तरह से गलतियां पूछी जा सकती हैं. जितने भी वर्ड्स थे अगर उनमें एस नहीं लगा है तो गलत है, और उसके बाद अगर सिंगुलर वर्ब लगी है तो वो गलत है. ठीक है ना? तो ये हमारा ये था लिस्ट थ्री. इसमें एक चीज हमें बतानी थी, और स्पेशली जैसे स्पेक्टिकल्स हमने लिखा था, तो अगर स्पेक्टिकल्स ना लिखा हो, केवल स्पेक्टिकल लिखा हो, तो क्या मीनिंग में कोई डिफरेंस आएगा? चलिए देख लेते हैं. स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल क्या होता है? इसकी मीनिंग होती है दृश्य. और स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? चश्मा. आप समझ लीजिए, स्पेक्टिकल्स से जो देखते हैं वो स्पेक्टिकल होता है. अगर एस नहीं लगाएंगे तो ये सीन होगा, दृश्य होगा, और एस लगाएंगे तो वो चश्मा होगा. एक बात. दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने लिखे थे, चाहे ड्रेस पहनने वाला हो और चाहे टूल्स वगैरह हो, अगर इनको सिंगुलर बनाना चाहते हैं आप, तो क्या लगा देंगे? अगर इनके पहले आपने लगा दिया अपीयर ऑफ, क्या लिखा? अपीयर ऑफ. अपीयर ऑफ के बाद हमने क्या लिखा? वही लिख दे रहे हैं, फिर स्पेक्टिकल. अपीयर ऑफ स्पेक्टिकल. अपीयर ऑफ के बाद स्पेक्टिकल नहीं होगा, ये होगा तो स्पेक्टिकल सही. ठीक है ना? अपीयर ऑफ स्पेक्टिकल, ये स्पेक्टिकल होगा. लेकिन इसके बाद जब हम लिखते हैं आर, या ऐसे लिख देते हैं have been repaired. तो जैसे हमने ये लिखा have been repaired, तो ये have been repaired हमने लिखा, तो spectacles के लिए आप सोच रहे होंगे कि have लगा है, तो अगर ऐसा सोचा तो गलत है. ये have किसके लिए लगा है? appear के लिए लगा. अब ये क्या हो जाएगा? has होगा. तो spectacles के बाद हमने has लगा दिया. क्यों लगा दिया? क्योंकि spectacles के पहले क्या लगा है? appear of. अगर appear of लगा होगा तो plural verb नहीं singular verb लगेगी, लेकिन फिर भी ये plural ही लिखा जाएगा, इसका s हटा नहीं सकते. Is that clear? No doubts. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसके आगे लिस्ट फोर. तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स की लिस्ट है. इसमें जैसे गैलोस, एनिंग्स, समन्स, सीप, डियर, स्वाइन, फिश, हेयर और जोरी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अक्सर इनपे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो सबसे पहले हम लेते हैं गैलोस को, एनिंग्स को और समन्स को. देखिए सबके लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है. इनिंग में भी एस लगा है, गैलोज में भी लगा है, समन में भी लगा है, सबके लास्ट में एस लगा हुआ है. तो ये क्या है एक्चुअली इनका एस लगा होना, कि ये है तो सिंगुलर है. कैसे? ये सबके सब सिंगुलर हैं. कैसे हैं? सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ एस जरूर लगा रहेगा. मतलब ऐसे सिंगुलर हैं जिनके लास्ट में एस जरूर लगा होता है. इनका एस हटाने की गलती ना करिएगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा. जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हो कि मान लीजिए ऐसे सेंटेंस लिखा हो कि इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान. ठीक, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय एन इनिंग. इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय एन इनिंग. इंडिया ने पाकिस्तान को एक इनिंग से हराया. तो जो एन लिखा है, अब लग रहा होगा एन लिखा है तो एक हो गया, एन का मतलब क्या हो गया? वन. और यहाँ आपको अच्छा लग रहा है ना, इनिंग लिख देना, लेकिन इनिंग नहीं होगा. ये क्या होगा? गलत होगा. ये क्या होना चाहिए? इनिंग्स होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनिंग्स ऐसा वर्ड ही है जिसमें एस लगा ही है, ऑलवेज ऑलरेडी लगा हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है. मतलब इनिंग जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है. एक्चुअली जो वर्ड है वो वर्ड ही है इनिंग्स, उसमें एस हटाना नहीं है आपको. ऐसी गलती कभी ना करिएगा. ऐसे ही है गैलोज. गैलोज क्या होता है? ये होता है फांसी का पटरा, जिस पर खड़ा करके मुजरिमों को फांसी दी जाती है. ऐसे ही है समन्स. समन्स क्या है? ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है. समन्स का प्लूरल जानते क्या होगा? वो हो जाता है समन्सेज. इसमें ई एस लगा देंगे, प्लूरल बना होना होगा. तो नहीं तो ये समन्स सिंगुलर वर्ड है. जिसे कोर्ट से जो आदेश आता है, जो कोर्ट में हाजिर होने के लिए, जिसको गांव में कहते हैं समन, वो वर्ड एक्चुअली है समन्स. समन्स है. जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हो कि समन हैज बीन इशूड. समन
has been assumed by the court, by the court, court से समन जारी हो गया, तो ये समन नहीं होगा, भले ही has लगा हुआ है, लेकिन ये समन नहीं होता, ये क्या होता है? समन्स होता है, ठीक है ना? तो आप ये समझ गए होंगे कि पहली वाली कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर हैं, इनमें एस हमेशा लगे रहेगा, इनका एस हटाने की गलती ना करें। चलिए दूसरी कैटेगरी के वर्ड्स की ओर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें है सी, डियर और स्वाइन। तो जो दूसरी कैटेगरी के वर्ड हैं, ये भी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, ये तीनों कौन, शीप, डियर, स्वाइन, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, ये सिंगुलर भी हैं और ये प्लूरल भी हैं। इनमें एस नहीं लगाना है, क्या ध्यान रखना है कि इनमें एस नहीं लगाना है। कैसे हो सकता है, जैसे हम लिखें आ सीप, करेक्ट। अगर हम कहें टेन और हम टेन के बाद लिख देते हैं सीप्स, तो आ सीप तो करेक्ट है, लेकिन टेन सीप्स इनकरेक्ट हो गया। क्यों? सीप्स नहीं होगा, टेन होगा तभी सीप ही होगा और एक होगी तभी सीप ही होगी, सीप में एस नहीं लगाइएगा। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं आ डियर और वर्ग हम कहें फाइव डियर्स, ठीक है ना? तो आ डियर, एक है डियर, ये करेक्ट है, पांच है डियर तब भी डियर में एस नहीं लगेगा, फाइव में भी डियर होगा और वन में भी डियर होगा, फाइव में भी सीप होगा और वन में भी सीप होगा, सीप्स, डियर्स, स्वाइन्स ये होगा ही नहीं। हाँ, वर्ग बस ऐसा है कि अगर आ सीप है तो वर्ग सिंगुलर होगी और टेन सीप है तो वर्ग प्लूरल होगी, आ डियर है तो वर्ग सिंगुलर होगी, फाइव डियर है तो वर्ग प्लूरल होगी, पर डियर का डियर्स नहीं करना है और सीप का सीप्स नहीं करना है, स्वाइन का स्वाइन्स नहीं करना है, एक हो चाहे दो हो चाहे दस हो, ठीक है? तो ये दो हो गए। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, और अगले में है फिश। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिश। तो फिश देखिए तीन चीजें हैं, वन एक है तो क्या है, फिश है। अगर फोर लिखा है तो क्या होगा, फिश होगा। और अगर फोर फिशेस हुआ तो आखिर फर्क क्या पड़ेगा, फोर फिशेस हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, वन फिश करेक्ट है, एक ही है, फोर फिश ये भी करेक्ट है, लेकिन ये फोर फिश जो है वो क्या है, दैट इज नंबर ऑफ फिश, फोर फिश में फोर क्या है, नंबर ऑफ फिश। अगर हम मछलियों की संख्या बता रहे हैं तो फोर फिश लिखेंगे, फिशेज नहीं करिएगा, ठीक है ना? फिश अगर संख्या में प्लूरल है तो केवल फिश होगा, और फिशेज कब हो सकता है, ये फोर फिशेज तब हो सकता है जब आप फिशेज की क्या बता रहे हो, वैरायटी बता रहे हो। सपोज हम ये कहते हैं कि उसके एक्वेरियम में चार फिशेज हैं, तो एपाई से देर आर फोर फिशेज इन हिज एक्वेरियम, तो फोर फिशेज का मतलब हुआ आई वांट टू से देर आर फोर वैरायटी ऑफ फिश, चार तरह की मछलियां हैं, चार नस्ल की, चार प्रकार की मछलियां हैं, तब हम क्या कहेंगे, फोर फिशेज। और अगर हम ये कहते हैं कि उसके एक्वेरियम में चार मछलियां हैं तो आई विल से देर आर फोर फिश इन हिज एक्वेरियम। तो संख्या में फिशेज कभी नहीं होगा, वैरायटी में फिशेज हो सकता है, तो फिश का प्लूरल फिश ही होता है। सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश, तो प्लूरल ऑफ फिश इज फिश नॉट फिशेज, ठीक है ना? तो फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता, एक्चुअली ये वैरायटी है, ठीक, प्लूरल ये है, तो प्लूरल फिश ही होगा, वैरायटी फिशेज होगी, ठीक है ना? ओके क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिश ये हो गया, अब बात करते हैं किसकी, हेयर की बात करते हैं। हेयर क्या है एक्चुअली, तो हेयर देखिए अगर हम किसी के सिर के बालों के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो हेयर का हेयर ही होगा, ये हेयर्स नहीं हो सकता। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हर हेयर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसके बाल बड़े खूबसूरत हैं,
ठीक है ना। हमने कहा उसके बाल बड़े खूबसूरत हैं, तो सिर में जितने बाल हैं सबको एक साथ आप एक नजर में देख रहे हैं। अगर हम सिर के सारे बालों के लिए हेयर ऑयल यूज करते हैं तो ये हम हेयर नहीं यूज करते हैं, हेयर ऐसे गलत हो जाएगा, तब क्या होगा, हर हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। हम हेयर का प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हेयर का प्लूरल कब बनाएंगे, जैसे ये कहा जाए कि 10 हेयर, ठीक है ना, 10 हेयर ऑन हिज हेड, 10 हेयर ऑन हिज हेड हैव रिमेंड ब्लैक, हैव रिमेंड ब्लैक। अगर ये कहना हो कि उसके सर के 10 बाल काले रह गए हैं, मतलब बाकी सारे पक गए, गिन के 10 बाल काले रह गए हैं, तो यहां देखिए हेयर के पहले क्या लिखा है, 10। अगर हेयर के पहले आप संख्या लिख देते हैं, कोई डेफिनेट नंबर लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 20 इस तरह का, वन नहीं, वन होगा तो हेयर ही होगा, लेकिन अगर वन से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे कुछ गिनती में है, कुछ यहाँ कोई डेफिनेट नंबर लगी हुई है, तो नंबर जब लगी होगी डेफिनेट, तब आप हेयर को क्या लगा देंगे, तब आप हेयर को हेयर्स करेंगे, और ये है तो खैर ठीक ही लिखा हुआ है। तो अगर हेयर के पहले निश्चित संख्या लगी हुई है तब ये हेयर्स हो सकता है, अदरवाइज जब सिर के बालों के लिए इकट्ठे बात करेंगे तो ये कभी हेयर्स नहीं होगा, हमेशा हेयर रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेयर को हम कब हेयर ही रखेंगे, हेयर्स नहीं करेंगे, और किस कंडीशन में हेयर्स हो सकता है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं हेयर का प्लूरल होता है कि नहीं, तो हेयर का प्लूरल होता है, एक कंडीशन होती है, अगर उसके पहले नंबर लगा हो तो हेयर्स होगा। अगर आप किसी के बालों के लिए मतलब एक करा किसे पूरे बालों के लिए एक एक शब्द में बोलना चाहते हैं तो फिर हेयर ही कहेंगे आप, हेयर्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे एक हमारे वर्ड हमारे पास बचा रह गया जूरी, तो जूरी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और जूरी का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। तो जूरी एक ऐसा वर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई फैसला है, मतलब कोई केस चल रही है, उस केस पर फैसला देना है, तो कभी कभी किसी केस पर फैसला देने के लिए एक आदमी नहीं निर्णय लेता, और जजों का एक पैनल बैठता है 3-5 ऐसे। एक मूवी आई थी कोई करके, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, डानावटी वाले केस पर था, अक्षय कुमार की थी, रुस्तम करके ऐसे कोई मूवी थी, ठीक है। तो उसमें इनकी केस का फैसला आप लोगों ने अगर देखा होगा मूवी तो आपको याद होगा कि बहुत सारे मतलब करीब 100-150 के करीब लोग होते हैं पढ़े लिखे, और उन लोगों को उन लोगों के सामने केस की सुनवाई होती है, और हर आदमी अपना अपना फैसला लिखता है। तो अगर सब लोगों ने एक राय से कोई फैसला दे दिया है तो वो कहा जाता है जूरी सिंगुलर, और अगर सब लोगों की राय अलग अलग है तो वो जूरी क्या होता है, प्लूरल। लेकिन जूरी का कभी जूरीज नहीं होगा। तो अब हम ये लिखते हैं, जिसे लिखा है जूरी, तो जूरी जूरी क्या है, जूरी सिंगुलर भी है और जूरी प्लूरल भी है, ठीक है ना। लेकिन कभी अगर ये सोचिए कि हम जूरीज लिख दें तो जूरी ऑलवेज इनकरेक्ट है, जूरी जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है अंग्रेजी में, जूरी ही है। जैसे मान लीजिए पहले एक सेंटेंस ऐसे लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं द जूरीज हैव गिवन द डिसीजन, तो द जूरीज हैव गिवन द डिसीजन, तो इसका मतलब हुआ कि सेंस तो यही लग रहा है कि जूरी ने अपना निर्णय दे दिया है। तो ये बात जो जूरीज लिखा हुआ है ये वर्ड गलत है, दैट शुड बी जूरी नॉट जूरीज, ठीक है ना। और जूरी के बाद क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस से कहीं भी ऐसा नहीं पता लग रहा है कि जूरी में मतभेद है, यहाँ ऐसे ही लग रहा है कि जूरी में एक राय है, सम्मति है, कंसेंसस है, मतभेद नहीं है। अगर जूरी में मतभेद नहीं है तो हम जूरी के लिए क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि द जूरी has given their divided opinion, the jury has given their divided opinion, तो अब क्या होगा यहाँ पे, चूंकि जूरी ने डिवाइडेड ओपिनियन दिया है, इसका मतलब जूरी के जितने भी सदस्य थे वो डिवाइड हो चुके हैं, उनकी राय अलग अलग है। अगर इनका डिवाइडेड ओपिनियन है इसका मतलब ये इनकी राय अलग अलग है, तब हैव लगेगा और जूरी करेक्ट है, जूरी का जूरीज नहीं होगा।
इन केस ऑफ डिवाइडेड ओपिनियन जूरी इज कंसीडर्ड प्लूरल, और इन केस ऑफ सिंगुलर डिसीजन, इन केस ऑफ सिंगुलर डिसीजन अनैनिमस डिसीजन जूरी इज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर, और जूरी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, और यहाँ पर डिवाइडेड डिसीजन था इसके जूरी के साथ हैव लगा। हाँ, जूरी कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा जूरी ही होगा, ठीक है। तो ये जो अभी लिस्ट हम लोगों ने देखी, इस लिस्ट का काम हमारा हो गया, और अब एक चीज और बाकी रह गई है, वही और खत्म कर देते हैं, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लिस्ट की ओर। तो ये है आपकी नेक्स्ट लिस्ट। इस लिस्ट में दो कैटेगरी के वर्ड्स हैं, एक पहले ये पढ़ लीजिए, देखिए आर्म्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस लगा रहना जरूरी है, इनका एस आप नहीं हटा सकते हैं, और सबके सब सिंगुलर है, नहीं सर ये सबके सब प्लूरल है। आर्म्स ये यहाँ लिख दे रहा हूं, ये जितने भी वर्ड हैं, ये लिस्ट जो है ये है प्लूरल की लिस्ट। क्या है? प्लूरल की लिस्ट है। तो आर्म्स एल लिखा है, आप टी मत समझिएगा इसको, अभी तो लाइन खींचते से मैं टी बन गया। आर्म्स ए एल एम एस, आर्म्स का मतलब क्या होता है? भिक्षा, जो हम किसी को भीख देते हैं। आर्म्स कभी भी आम नहीं लिखेंगे, जैसे कहीं ये नहीं लिखा होगा कि आम हैज बीन गिवन, आम नहीं, आर्म्स भिक्षा, तो आम में एस लगा होगा भिक्षा में। आर्चीव्स मतलब क्या होता है? अभिलेखागार, जहाँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसे कहा जाता है आर्चीव्स। आर्चीव में एस लगना जरूरी है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। एरियर्स का मतलब बकाया, कहीं पेमेंट वगैरह आपकी बकाया है, रुकी है का दो महीने की सैलरी, तो क्या होता है? एरियर्स। ये है कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता, आप गलत बोलते हैं कांग्रेचुलेशन अगर बोलते हैं तो, दैट शुड बी कांग्रेचुलेशन नॉट कांग्रेचुलेशन। एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, संपत्ति, आपकी जो भी संपत्ति है, एसेट नहीं होता एक्चुअली, वो एसेट्स होता है। सेविंग्स, बचत को क्या कहते हैं? सेविंग्स, सेविंग नहीं होता वो, दैट इज सेविंग्स। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग नहीं होता, माहौल, आसपास का जो वातावरण होता है, माहौल होता है, दैट इज नॉट सराउंडिंग एक्चुअली, दैट इज सराउंडिंग्स। और लॉजिंग्स, ठहरने की जगह, लॉज वगैरह, जैसे आप कहीं गए हैं घूमने ठहरने के लिए, तो लॉज लेके अगर ठहरते हैं, मतलब वो केवल ठहरने की जगह होती है, वहाँ खाना पीना नहीं मिलता, तो दैट इज लॉजिंग्स, ना कि लॉज, लॉजिंग्स है ये। और स्कर्ट्स क्या होता है? जैसे कोई शहर है या कोई गाँव है, तो गाँव की जो बाहरी सीमा रेखा होती है, परिधि जिसको कहते हैं, वो क्या कही जाएगी? आउटस्कर्ट्स, इसमें एस लगना जरूरी है। फायरवर्क्स, यू नो पटाखे, तो जो पटाखे होते हैं उनको फायरवर्क नहीं कहा जाता है, दैट इज फायरवर्क्स। तो ये जितने भी नाउन हैं इन सब में देखिए एस लगा होगा, अगर जैसे इसका एस हटा दिया, जैसे कांग्रेचुलेशन बोल दिया, कांग्रेचुलेशन नहीं बोलते, तो दैट इज इनकरेक्ट। एरियर्स होता है, आर्चीव्स होता है, इनका एस हटाने की गलती मत कीजिएगा, वो गलत सेंटेंस होगा, गलत वर्ड होता है। चलिए इनको यहाँ पे छोड़ते हैं, अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। तो आपको ऐसा भी और ऐसा भी दोनों देखने को मिलेगा, कहीं क्या देखने को मिलेगा? थैंक, और कहीं देखने को मिलेगा क्या? थैंक्स। तो अगर क्या फर्क है इनमें? जब हम इसको वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहें कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तो आई थैंक यू, क्या होगा? आई थैंक यू। तो जब वो कहते हैं आई थैंक यू, तब आप थैंक्स मत कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन जब नाउन की तरह प्रयोग करते हैं थैंक्स अलॉट, तब थैंक अलॉट नहीं होगा, तब क्या होगा? थैंक्स होगा। तो अगर थैंक को आप नाउन की तरह प्रयोग करेंगे तो दैट शुड बी थैंक्स नॉट थैंक, और वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे तो इट इज थैंक। और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, इन केस ऑफ वर्ब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अगर आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। और अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे तो क्या होगा? ही डिड नॉट कॉम्प्लीमेंट मी, तो ही डिड नॉट के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्स मत लगाइएगा, क्योंकि वो नाउन हो जाएगा। डिड नॉट के बाद वर्ब लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट, नाउन लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स होगा। और रिगार्ड, रिगार्ड अगर वर्ब है तो रिगार्ड होगा, अगर ये नाउन है तो क्या हो जाएगा? रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान। रिच, रिच क्या होता है? एडजेक्टिव, तो रिच का मतलब क्या होता है? अमीर, ठीक है ना। तो संपन्न, समृद्ध, रिच क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर ये रिचेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज नाउन, ये नाउन होगा। ये जितने भी हैं सब के सब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जा रहे हैं? नाउन हो जा रहे हैं। रिगार्ड्स क्या है? नाउन है। रिचेस क्या है? नाउन है। रिचेस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, धन। रिच एडजेक्टिव है, और रिचेस क्या हो गया? नाउन। ही इज अ रिच मैन, ना कि रिचेस। और जैसे हम कहें आल इज रिच, तो आल इज रिच नहीं होगा, आल इज रिचेस। और वैल्यूएबल क्या होता है? वैल्यूएबल एडजेक्टिव है। जैसे कहें वैल्यूएबल एडवाइस, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वैल्यूएबल्स का मतलब क्या होता है? कीमती सामान उसके पास, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, दैट इज नाउन।
और जैसे उनका पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर को तो क्या होता है, जैसे पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर टॉपिक, पार्टिकुलर बुक, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। और जो पार्टिकुलर्स कहते हैं, तो पार्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, डिटेल। तो गिव मी योर पार्टिकुलर्स, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग योर फॉर्म गिव मी योर डिटेल्स। तो जब डिटेल्स के सेंस में यूज किया जाता है, अब पार्टिकुलर्स का मतलब क्या होगा, डिटेल्स, तब ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स हो जाएगा। और पार्टिकुलर यूज करेंगे तो दैट इज एडजेक्टिव यूज बिफोर अ नाउन। अब ऐसे ही है बिलोंग, बिलोंग हम कहते हैं आई बिलोंग टू अ विलेज, ठीक है, आई बिलोंग टू अ विलेज, तो बिलोंग क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है, सामान, आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ जितना भी आपका सामान है वो बिलोंगिंग्स हो जाएगा, तब ये क्या हो जाता है, नाउन। तो देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें अगर एस लगा हुआ है तो ये नाउन हो जाएंगे, अगर इनका एस हटा देंगे तो इनकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगी, ये फिर वर्ब हो जाएंगे या एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो इनसे कभी कभी गलतियां आती हैं, मान लीजिए नाउन के फॉर्म में यूज किया गया हो और बिना एस के यूज किया गया हो तो गलत हो जाएगा। कभी भी इसको देखें और नाउन की तरह यूज किया है बिना एस के, तो बिना एस के जैसे हम कहें कि आई एम थैंकफुल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम नाउन की तरह यूज करें तो फॉर योर कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो फिर अब आप इसका ध्यान रखिएगा, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह लगा हो तो ये लगेगा, और नाउन की तरह लगाए होंगे तो इनमें एस जरूर लगाइएगा, और ये जो कैटेगरी है इनमें हमेशा एस लगा रहता है, इनका एस हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नाउन की लिस्ट हो गई, जो लिस्ट वाइज नाउन हमने बताया था, कहा था करने को, वो नाउन की लिस्ट वाइज चीजें खत्म हो गई हैं। और कब सिंगुलर प्लूरल बनाने पर उनकी मीनिंग में चेंज हो जाती है उसका तो क्या डिस्कशन के बेस पर हमने वो करा के रखा हुआ है, आपको जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक होगा जेंडर का, फेमिनिन जेंडर का। फेमिनिन जेंडर 10-15 मिनट का वीडियो होगा, 10-15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, बाकी उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा रूल्स वगैरह है नहीं पढ़ाने को, 15-20 मिनट की एक छोटी सी वीडियो होगी, कैसे जिम्मे दी जाएगी। उसके बाद आपका अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा रह गया है वो है केसेस का, और केसेस में भी मस्कुलिन फेमिनिन सॉरी नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव और इस तरह की केसेस तो पूछी उछी नहीं जाती है फिलहाल एग्जाम में, पजेसिव केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पजेसिव केस हमको पढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है शायद दो वीडियोज में पजेसिव केस का काम खत्म हो जाए, तो जैसे ही पजेसिव केस खत्म हो जाती है वैसे आपको नाउन के ढेर सारे क्वेश्चन, तकरीबन 50 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही डिस्कू करने को, प्रैक्टिस करने को। तो फिर 50 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो उसको हम डिस्कस करा देंगे, तो 50 क्वेश्चन दो, मुझे लगता है कि दो बार में डिस्कस कराएंगे, या एक बार में हो सकेगा तो एक बार में कर देंगे, देखा जाएगा जैसा भी बन पाएगा। तो नाउन में मुझे उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो इसको फिर आप लोग देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में या कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर कहिएगा। हालांकि आप लोगों ने कभी इस तरह की प्रॉब्लम सो तो नहीं की, दिखाई तो नहीं, कमेंट बॉक्स में कभी यह नहीं देखने को मिला कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो उम्मीद है कि ये भी पहले वाले ही की वीडियोस की तरह ये भी समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई इन्वाइट योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दैट। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।